प्रदेश का किसान आज तबाही के कगार पर पहुंच गया है। कई गांव और शहर ऐसे जहां गरीबों के घर गिर गए, आशियाना उजड़ गया है और किसान की फसलें सड़ गई है। सोयाबीन, उड़द, मूंग, सब्जियां, एक नहीं अनेकों फसलें तबाह और बर्बाद हो गई। मैं किसान के खेतों में जा रहा हूं लेकिन मुझे तकलीफ है। मैं तो किसानों के खेत में जा रहा हूं, कीचड़ में घुस रहा हूं, भले बूट पहन के मैं गया हूं, उनकी फसलें देख रहा हूं, उनकी तकलीफ देख रहा हूं, सर्वे की मांग कर रहा हूं, राहत मुआवजा की मांग कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के मंत्री घर बैठे बैठे कह रहे हैं कि शिवराज सिंह बूट पहन के जा रहा है। कुछ तो श्रम करो, ड्यूटी आपकी थी, मंत्री आप हो, घर में बैठे बैठे केवल हम बातें कर रहे हैं। खेतों में आपको उतरना चाहिए, फसलें आपको देखना चाहिए, राहत मुआवजे की मांग आपको करना चाहिए, आप केवल मेरी आलोचना में लगे, इससे किसानों का भला होगा? जब तक मुख्यमंत्री मंत्री नहीं निकलेंगे तब तक अफसर नहीं निकलेंगे, सर्वे नहीं होगा, राहत और मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझे गाली देना हो दे लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा सब्जेक्ट हूं, लेकिन कम से कम खेतों में उतर के किसान की तकलीफ तो दूर करने की कोशिश करो। अब नौटंकी के अलावा कोई बचा नहीं, हमारा तो उनसे कहना है किसी एक संस्था की सांस्कृतिक संस्था करवा लें और उनको नौटंकी का पाठ सीखें और उस तरह से किसानों के बीच जाके डांस करना कराने का काम करें। उन्होंने 15 वर्ष में पूरे प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी, कर्ज में लाभ दिया, सहकारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, चारागाह की तरह उनकी सरकार ने चढ़ डाला। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी सजग है, पूरे किसानों से जो वादे किए थे पूरे करे जा रहे हैं। 20 लाख किसानों के हमने कर्जा माफ़ कर दिए, 12 लाख किसानों के कर्जे इसी महीने से माफ़ करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अनेक जिलों में सीधा कर दे पूरा उनका भेज गया है, खाते में जिन्होंने के पैसा से भेज दिए, चौथी किस्त में, तीसरे दौर में पूरे समूचे देश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा कमलनाथ जी की सरकार माफ़ करेगी, जो वादा किया नवा है। शिवराज सिंह से जवाब चाहता हूँ, आपने 50,000 रुपये का किसानों का वादा किया था 2008 में, 2013 में क्या किया? 50,000 रुपये का वादा करके मुकर गए। आज किसानों के बड़े हितैषी थे, उनको तब चिंता नहीं थी कि 50,000 का देने के बाद भी करने के बाद घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी नहीं दे पाए। अब फरी आंसू आ रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि हम बहुत शुभचिंतक हैं। सर दिल्ली में पूरा करवा कि उन्होंने बंदूक डाली, रेत अब अवैध उत्खनन कर डाला, नर्मदा खोखली कर दी, पूरे बुधनी में अरबों रुपए के सागवान के कटवा डाले। उस पर जरा शिवराज सिंह को जाके अपने आंसू बहाना चाहिए और बैठ के अपने नर्मदा के नाम पर जो लूटा है वृक्ष नहीं लगे उन पर आंसू बहाएं, उसके लिए घंटा बजाएं। 5 साल अब उन पर घंटा बजाने के अलावा कोई। सर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने, अब नौटंकी के अलावा कोई बचा नहीं, हमारा तो उनसे कहना है किसी एक संस्था की सांस्कृतिक संस्था करवा लें और उनको नौटंकी का पाठ सीखें और उस तरह से किसानों के बीच जाके डांस करना कराने का काम करें। उन्होंने 15 वर्ष में पूरे प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी, कर्ज में लाभ दिया, सहकारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, चारागाह की तरह उनकी सरकार ने चढ़ डाला। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी सजग है, पूरे किसानों से जो वादे किए थे पूरे करे जा रहे हैं। 20 लाख किसानों के हमने कर्जा माफ़ कर दिए, 12 लाख किसानों के कर्जे इसी महीने से माफ़ करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अनेक जिलों में सीधा कर दे पूरा उनका भेज गया है, खाते में जिन्होंने के पैसा से भेज दिए, चौथी किस्त में, तीसरे दौर में पूरे समूचे देश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा कमलनाथ जी की सरकार माफ़ करेगी, जो वादा किया नवा है। शिवराज सिंह से जवाब चाहता हूँ, आपने 50,000 रुपये का किसानों का वादा किया था 2008 में, 2013 में क्या किया? 50,000 रुपये का वादा करके मुकर गए। आज किसानों के बड़े हितैषी थे, उनको तब चिंता नहीं थी कि 50,000 का देने के बाद भी करने के बाद घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी नहीं दे पाए। अब फरी आंसू आ रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि हम बहुत शुभचिंतक हैं। सर दिल्ली में पूरा करवा कि उन्होंने बंदूक डाली, रेत अब अवैध उत्खनन कर डाला, नर्मदा खोखली कर दी, पूरे बुधनी में अरबों रुपए के सागवान के कटवा डाले। उस पर जरा शिवराज सिंह को जाके अपने आंसू बहाना चाहिए और बैठ के अपने नर्मदा के नाम पर जो लूटा है वृक्ष नहीं लगे उन पर आंसू बहाएं, उसके लिए घंटा बजाएं। 5 साल अब उन पर घंटा बजाने के अलावा